राधे राधे जी। तो चलिए आज बनाते हैं टूटी फ्रूटी घर पे बिल्कुल ही इजीली। तो तरबूज का सीजन चल रहा है और तरबूज तो आप सभी के घर आए होंगे। तो चलिए तरबूज के जो छिलके हम वेस्ट करते हैं ना, मतलब खाते तो तरबूज को हैं और छिलके का क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो अब छिलके को आप कभी फेंकेंगे नहीं मेरी ये वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने तरबूज के छिलके लिए हैं और उनको जो ऊपरी जो ग्रीन ग्रीन होता है ना उसको निकाल दिया है, और जो वाइट पार्ट है उसको मुझे ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारा छिल चुकी हूँ और इस तरीके से मैंने पतले पतले काट लिए हैं। अब इनको ना बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, जैसे टूटी फ्रूटी की साइज़ होती है उसी के साइज़ में इसको अच्छे से कट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको पहले वॉश कर लेते हैं, फिर तो अच्छे से इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने पीसेस काटे हैं उनको बॉयल करूँगी। तो बॉयल करने में करीबन लगेंगे आपके 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बॉयल हो रहा है। इसको चेक कर लिया है मैंने और ये बिल्कुल ना सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको बंद करते हैं और चलते हैं अब शुगर सिरप बनाने। तब तक इसको हम इसके ट्रांसफर कर लेते हैं और ये सूख जाएगा तब तक पानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह हो गया है। तो इसकी ये भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये ट्रांसपेरेंट की तरह हो जाए ना तो इसका मतलब ये सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा तो ओवर कुक हो जाएगा। अब चलते हैं शुगर सिरप बना लेते हैं। तो मैंने 1 गिलास छोटे गिलास से 1 गिलास पानी लिया है और यहाँ पे मैं पिसी चीनी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पिसी चीनी करीबन 2 स्पून लिया हुआ है और इसको जब तक अच्छे से बॉईल नहीं आ जाए तब तक इसको हम पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉयल आ चुका है सिरप में, और आपको सिरप बनानी है चाशनी नहीं, तो ये पतली ही होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है गैस, और जो मैंने पीसेस कट किए थे बॉयल किया था इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं इसको निकाली हूँ और इसमें कलर ऐड करके इसको सुखा दूंगी। करीबन 5-6 घंटे आप सुखाइए और फिर इंजॉय कीजिए।